रिव्यू करेंगे फिल्म सिम्बा का ट्रेलर। ट्रेलर देखते हुए मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म 2015 में रिलीज्ड तेलुगु फिल्म टेम्पर का ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन जैसे जैसे दो चार सीन्स मैंने देखने शुरू किए तो मुझे इस बात का अंदाजा तो जरूर हो गया कि ये कुछ साउथ फिल्मों से इंस्पायर्ड तो जरूर है। मैं पर्सनली कहूं तो जिस तरह का एटीट्यूड बच्चों के द्वारा साउथ फिल्मों के डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं वो कई बार ओवर हो जाता है, और क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड वो कई फिल्मों में यूज कर चुके हैं तो बार बार देखने से इरिटेटिंग भी लगता है। ट्रेलर की शुरुआत होती है अजय देवगन के सिंघम वाले सीन से, और पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये शायद सिंघम का तीसरा पार्ट हो सकता है, हालांकि फिल्म मेकर्स इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं। अजय देवगन की एंट्री से शुरू हुआ ये ट्रेलर एक एक्साइटमेंट जरूर लाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ट्रेलर टिपिकल साउथ एक्शन फिल्मों में तब्दील होना शुरू हो जाता है। माना कि ये साउथ फिल्म की रीमेक है, लेकिन इसके बावजूद अपना कुछ स्टाइल तो फिल्म में रखना चाहिए था। एक्शन, डांस, डायलॉग सब फुल टू साउथ फिल्मों की याद दिलाता है। रीमेक के नाम पर एकदम चेप डाला है। साउथ की फिल्मों में अक्सर आप देखते होंगे कि एक्टर्स के पीछे एक हैवी येलो लाइट का यूज किया जाता है जो उस सीन को और ज्यादा आर्टिस्टिक बनाता है, वो तक इस फिल्म में कॉपी किया गया है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये हैवी येलो लाइट को किसी भी सीन में कैसे घुसा दिया जाता है। फिल्म का सीन किसी सड़क का है तो सड़क के बैक में भी वो येलो लाइट साफ साफ कैमरे में नजर आता है। सीन में दिख रहे उस येलो लाइट से साफ साफ पता चलता है कि सिर्फ शूटिंग करने के लिए उस येलो लाइट को पीछे से लगाया गया है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इसी तरह का एक सीन इस ट्रेलर में भी देखा जा सकता है, जब रणवीर सिंह पुलिस स्टेशन में बैठ के उस लड़की से बात कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल वाले सीन में जहां रणवीर सिंह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और वो लड़की जिस हालत में उस सीन में दिखाई गई है, तो वो सीन भी कहीं ना कहीं फिल्म थेरी की याद जरूर दिलाता है। ट्रेलर में दिखाए गए और कई सीन्स भी साउथ की अलग अलग फिल्मों से मिलते जुलते नजर आते हैं। ट्रेलर में ऑलमोस्ट पूरी फिल्म को रिवील कर दिया गया है, तो जिन लोगों को साउथ की एक्शन फिल्में पसंद है ये फिल्म उनके लिए है, क्योंकि साउथ फिल्मों की फीलिंग के साथ आपको बॉलीवुड के एक्टर्स बोलते दिखेंगे, वो भी हिंदी लिपसिंग के साथ। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म सिंघम को भुनाने के लिए इसमें अजय देवगन का कैमियो रोल भी रखा है, और कमाल की बात ये है कि ट्रेलर की शुरुआत भी अजय देवगन के सीन से होती है और ट्रेलर का एंड भी अजय देवगन के सीन से ही होता है। सारा अली खान की बात करें तो फिल्म केदारनाथ के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म होगी, और फिलहाल ट्रेलर में उनका काम उतना ही नजर आ रहा है जितना कि एक मेल एक्टर बेस्ड फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस का होता है। ट्रेलर में सोनू सूद दबंग वाले स्टाइल में नजर आ रहे हैं। एक दो सीन में सिद्धार्थ जाधव भी नजर आते हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी उस सीन में काफी अच्छी लगी है। सोनी टीवी पर आने वाले कॉमेडी सर्कस से आए सिद्धार्थ जाधव को आखिरकार रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म में ले ही लिया, हालांकि इससे पहले भी वो कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं। रोहित शेट्टी इसी कॉमेडी सर्कस में जज रहे थे जहां पर सिद्धार्थ जाधव परफॉर्म करते थे। इससे पहले उन्होंने कृष्णा को भी अपनी फिल्म बोल बच्चन में चांस दिया था, और अब सिद्धार्थ जाधव को। ये अलग बात है कि पूरे सीजन वो तारीफ करते रहे थे कपिल शर्मा की। ट्रेलर में सुनाई पड़ रहा बैकग्राउंड म्यूजिक भी थेरी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक से काफी हद तक इंस्पायर्ड लग रहा है। तो कुल मिला के ट्रेलर से ही लोगों ने अपना माइंडसेट कर लिया होगा कि हमें इस फिल्म को देखना है या फिर नहीं। फिल्म में 1996 में रिलीज फिल्म तेरे मेरे सपने का एक सॉन्ग लड़की आंख मारे का रिक्रिएट वर्जन सुनने को मिल सकता है, जिसका म्यूजिक दिया है तनिष्क बागची ने। फिल्म के प्लस पॉइंट है डायरेक्टर रोहित शेट्टी, ऑफ कोर्स रणवीर सिंह, और अजय देवगन का कैमियो रोल भी काफी बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। देखते हैं ये फिल्म लोगों को कितना लुभा पाती है। हैव ए नाइस डे।